अदानी का शेयर पंप कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके एक्चुअली अदानी एंटरप्राइजेस कोई एआई कंपनी नहीं है जिसमें 1000x वैल्यू बढ़ता है। इसका एक लिमिटेड इनकम है, एक सीलिंग है उसकी इनकम पे, तो उतना शेयर का रिटर्न्स नहीं रहता, तो ओवर हाइप्ड है शेयर्स। लेकिन प्रधानमंत्री का मदद से बचा हुआ है, और कुछ फालतू देशभक्त, बेवकूफ देशभक्त उसके समर्थन में आए ट्विटर पे, जैसे सेवाग, गांडू गुरु, सदगुरु और चड्डी गैंग और बीजेपी के सारे लोग अदानी को सपोर्ट करने आए कि ये इंडिया पे हमला है। अदानी ने झोल तो किया है शेयर मार्केट वैल्यूएशन का, और क्योंकि प्रधानमंत्री उसके साइड में, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, लेकिन फ्रॉड तो हुआ है। और इसमें डेंजरस चीज क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दिया जा रहा है फुकट में, सात गाट करके, जमीन भी उसको दिया जा रहा है, लोन भी उसको दिया जा रहा है, काम करने के लिए भी पैसा दिया जा रहा है, वो सिर्फ नाम अपना है, काम दूसरा कर रहा है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जब उसको दिया जाता है, ये सबके लिए डेंजरस है। अभी एयरपोर्ट उसका, सब एयरपोर्ट उसका है, तो प्लेन तो उतरेगा किधर, तो प्लेन का भाड़ा रहेगा 1000 रुपया पर आवर, ये बोलेगा 5000 पर आवर, और प्लेन वाले को देना ही पड़ेगा क्योंकि प्लेन किधर उतारेगा, तो वो 5000 पर आवर भाड़ा देगा। एक्चुअली कितना भाड़ा है मालूम नहीं, बट भाड़ा काफी है एयरपोर्ट पे, प्लेन जितना देर खड़ा करेगा उतना देर भाड़ा लगता है, तो वो कस्टमर से लेगा, वो टिकट का प्राइस बढ़ाएगा ये प्लेन रुकने का भाड़ा कवर करने के लिए, तो अल्टीमेटली कस्टमर पे उसका बोझ आएगा। अभी इनको हाईवे दिया जा रहा है, हाईवे पे गाड़ी तो तुम्हारा जाएगा, जिधर 100 रुपया टोल लगता है वो 500 रुपया करेगा, क्योंकि लोन बाकी है कंपनी पे, और लोन उसको देने का EMI तो तुम्हारे से कवर करेगा, और तुम्हारे पास चॉइस भी नहीं, दूसरा रास्ता है भी नहीं। जब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास दिया जा रहा है, तो उसकी मन की चलेगी, सरकार भी उसकी है, सरकार का साथ है, और ऐसा मिलीभगत से आम आदमी को चूसा जाएगा, फिर से एक मजबूत चूसा जाएगा। इसका भांडा फूटना चाहिए, और ये जो देशभक्ति का लेबल लगा रहे, यही चोर लोग पूरा इंडिया लूट के एक मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बना रहे हैं, सब कुछ एक ही आदमी को दिया जा रहा है और देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, चूतिया समझा है सबको, और बहुत सारे लोग चूतिया है, बट बहुत सारे चोर लोग चूतिया नहीं है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसके पास है, उसकी मनमानी चलेगी। और क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है, लोन ले रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है, और सदगुरु बोल रहा है कि फिरंग लोग को, इंडियन आदमी तरक्की कर रहा है वो अच्छा नहीं, इसलिए उसको गिराया जा रहा है। क्या तरक्की किया है, कल को मेरे नाम पे कर दिया सब कुछ, मैं, मेरे को बैठे बैठे मिल रहा है, मैं प्रोजेक्ट निकालेगा एस्टिमेट एक्सपर्ट से, कितना लगता है, हाँ इतना, 5000 करोड़, चल ये ले पेपर्स, दे बैंक को 5000 करोड़ दे, और पूरा वो एक्सपर्ट्स का टीम ही इंजीनियर रिक्रूट करेगा, आर्किटेक्ट रिक्रूट करेगा, वो लोग ही बनाएगा, सिर्फ नाम पे मेरे रहेगा, तो इसलिए इसमें मैंने क्या तरक्की की है, मेरे को प्रधानमंत्री दे रहा है और मैं ले रहा है, और वो बना तो मैं नहीं रहा है ना, उसके लिए इंजीनियर्स काम पे रखे है, वो प्रोजेक्ट एस्टिमेट निकालेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब वो कॉस्ट शीट सबमिट करेंगे, बैंक को ये देगा, लोन मिलेगा, बन गया, और उसको सिर्फ उसका भाड़ा कलेक्ट करना है।
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दिया जा रहा है। लेकिन ये फंस सकता है अगर यूएस में इसकी इंक्वायरी निकलती है। ये टेम्पररी है, इसकी जो हरियाली दिख रही है टेम्पररी है, झोल तो किया है। इंक्वायरी बैठेगी और खास करके यूएस में और बाकी फॉरेन कंट्रीज में, तब मजा आएगा। और ये चिंदी चोर देशभक्त जो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं अपने को, ये कुछ हाई लेवल के बेवकूफ है या इनको कमीशन है उसमें, देशभक्ति को डायरेक्शन देने में कमीशन है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सब कुछ देने में कमीशन है, इसलिए देशभक्ति का नारा लगा रहे। लेकिन डूबेगा जरूर, और अगर डूबेगा नहीं तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास है, मनमानी चलेगी, मनचाहा भाड़ा लगेगा। उसने अगर टोल टैक्स बढ़ा दिया 500 का 1000 कर दिया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और वो ट्रांसपोर्ट वाला कॉस्ट में ऐड करेगा प्रोडक्शन, वो प्रोडक्ट में ऐड होगा और वो अपने से ही निकलेगा। प्लेन एयरपोर्ट पे रुकेगा, उसका भाड़ा बढ़ा देगा तो वो प्लेन वाला कस्टमर पे डालेगा वो, और अल्टीमेटली कस्टमर पे ही आएगा और सब महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसने लोन लिया है और उसके पास पैसे नहीं लोन चुकाने के लिए, इसलिए भाड़ा बढ़ा के लोगों से चूस के लोन चुकाएगा।